दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके बाथरूम जाने से लेकर आपके बेडरूम जाने तक की एक एक चीज आपका फोन ट्रैक कर रहा है। आपकी पत्नी को भले ही ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन आपके मोबाइल फोन को सब कुछ पता होता है मेरे दोस्त, जिसके जरिए आपकी पूरी ट्रैकिंग होती है। जी हाँ, इंसान का एक एक पर्सनल मोमेंट सब कुछ मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बातें करते हैं, आप कब किस जगह पर जाते हैं, किस इंसान को कौन सा मैसेज कर रहे हैं, ये सब कुछ कोई देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं मेरे दोस्त। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो चिंता मत करो, हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आप अपने फोन में हो रही ट्रैकिंग को रोक सकते हैं। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप कर दी तो क्या पता अगला शिकार आप ही हो जाए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारा मोबाइल फोन न केवल ये ट्रैक करता है कि हम फोन में क्या कर रहे हैं, बल्कि हम जो बातें करते हैं, फिर चाहे मोबाइल फोन में हो या फिर किसी ऐसे से, वो सब कुछ हमारा फोन सुन रहा है। साथ ही मोबाइल फोन ये भी मॉनिटर करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं और इंटरनेट पर क्या सर्च आउट कर रहे हैं। दोस्तों, ये फीचर डिफॉल्ट मोड में हर एंड्रॉइड फोन के अंदर होता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता और लगातार ट्रैकिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो कोई चाहकर भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। और सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं, बल्कि जो आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा, और आपका मोबाइल फोन भी फास्ट स्पीड में चलने लगेगा। तो कौन से हैं वो फीचर्स जिन्हें हमें डिसेबल करना है, चलिए जानते हैं ना। दोस्तों, अपने एंड्रॉइड फोन में इन फीचर्स को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाइए, और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप गूगल पर जाइए और उस पर टाइप कीजिए। जब आप गूगल पर टच करेंगे तो आप देखेंगे उसमें ऑल सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको टैप करना है, और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और प्राइवेसी और सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाना है, और वहां पर आप देखेंगे एक पर्सनलाइज्ड यूजिंग शेयर्ड डेटा का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस लिस्ट में आपके सामने क्या क्या ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं ये आपको देखना है, जैसे कि हमारे फोन में ज्यादा एप्स नहीं है। दोस्तों, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो आपके फोन में मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, और ये फोन के बैटरी यूजेस को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आप फोन बंद करके रखते हैं तब भी एप्लीकेशन आपको लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, इस लिस्ट में जितने भी एप्लीकेशन है आप उन्हें टर्न ऑफ कर दें। अब दोस्तों, बारी आती है नेक्स्ट फीचर की, जिसके लिए आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ऊपर जो एरो का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक करके बैक जा सकते हैं, या फिर अपने फोन की बैक वाले बटन को इस्तेमाल करके भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप बैक जाएंगे तो आप उसी ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सेक्शन में आपको यूजेस एंड डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यूजेस एंड डायग्नोस्टिक्स का फीचर है, जो आपका फोन यूजेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये देखता है कि आप क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ये गूगल को सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है, और हमारे पुराने फीचर की तरह ही ये भी फोन को स्लो डाउन कर देता है, बैटरी यूजेस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस फीचर को भी तुरंत बंद कर दीजिए।
दोस्तों इन दोनों ही फीचर्स को बंद करने के बाद आपको अपने फोन में एक और लास्ट सेटिंग करनी है, जिसके बाद कोई भी आपका फोन ट्रैक नहीं कर पाएगा और ना ही आपके फोन के माइक के जरिए आप क्या कर रहे हैं ये सब कुछ सुन पाएगा। इसके लिए आपको फिर से मेन सेटिंग में जाना है और दोबारा से स्क्रॉल करके गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसमें आपको पहले की तरह ही ऑल सर्विसेज में टैप करना है, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाना है और फिर आपको एड्स वाले फीचर्स पर क्लिक करना है। दोस्तों ये फीचर उस हर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो आप फोन में करते हैं, जैसे कि आप फोन में क्या लिख रहे हैं, आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, यहां तक कि माइक्रोफोन में आपकी जो भी कन्वर्सेशन होती है उसे भी ये फीचर सुनता रहता है और इसी के जरिए आपको एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका फोन साइड में रखा है और आप किसी से वॉशिंग मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर जब आप फोन खोलते हैं तो आप देखते हैं कि यूट्यूब पर या फिर किसी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वॉशिंग मशीन के ही एड दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा था और फिर उसी हिसाब से अपना सामान आपको बेच रहा है और ये सब कुछ इसी फीचर के जरिए होता है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको हमारी ये वीडियो जो मिल गई है और अब आपका फोन आपकी कोई भी बात सुनकर आपको एड नहीं दिखा पाएगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक होगा कंफर्म का और दूसरा होगा कैंसिल का। आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करना है ताकि ये फीचर कभी भी आपको ट्रैक ना कर पाए। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें एक कंफर्म का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी लिखा हुआ दिखेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि एक गेट न्यू एडवर्टाइजमेंट आईडी का फीचर आपको दिखेगा, जिससे आप समझ जाइएगा कि आपके फोन की सारी सेटिंग बढ़िया तरीके से हो गई है। अब इसके बाद आपका मोबाइल फोन अच्छी तरह से फास्ट चलेगा, आपको फोन हैंग होने की कोई समस्या नहीं होगी। आप एक बार फोन को चार्ज करेंगे तो फोन लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई भी ट्रैकिंग वाली चीज आपको बार बार परेशान नहीं करेगी क्योंकि जब ऐप बैकग्राउंड में आपकी ट्रैकिंग करते रहते हैं तो उससे बैटरी बहुत जल्दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इन सभी सेटिंग्स को कर लिया और इन फीचर्स को बंद कर दिया तो कोई भी चीज आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी क्योंकि एंड्रॉइड फोन में डिफॉल्ट मोड पर ही गूगल आपको ट्रैक करने में लगा रहता है। लेकिन आप वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी ट्रैकिंग बिल्कुल रोक सकते हैं और बिंदास जी सकते हैं। और इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको चिंता भी नहीं होगी कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आपकी बातें कोई सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, क्योंकि अब सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है। बाकी दोस्तों आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।